निवासी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी उमेश जी के लिए स्पेशल 21 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये आ गए गौरी शंकर भाई साहब, ये गौरी शंकर भाई साहब, ये ढोरापुर की तरफ से ये 21 रुपया इनाम है, पहले से धन्यवाद। ये आ गए अनुराग भाई साहब, ये अनुराग भाई साहब, ये ढोरवापुर की तरफ से ये 21 रुपया दिया गया है, पांडे से धन्यवाद। निवासी 51 रुपया का पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अब लीजिए इधर पार्टी का रंगारंग जयमाला कार्यक्रम समाप्त। अब आकाशवाणी लखनऊ ब्रज भारती सोहन लाल सब्यार से खबरें सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों, फेंक करके कान लगा करके ध्यान सुनिए, हमारे घर मालिक का फरमाइशी तमाशा आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तमाशे का नाम माड़ो कड़ की लड़ाई उर्फ बाप का। दोस्तों, हमारे घर मालिक का फरमाइशी तमाशा है कि माड़ो कड़ की लड़ाई दिखाया जाए, तो आज की रात आज की शाम आप लोगों के नाम और तमाशे का नाम माड़ो कड़ की लड़ाई उर्फ बाप का। आप लोग शांति का परिचय दें और तमाशे का आनंद ले और प्रेम से बैठो और सजनो और प्रेम कर रखो। प्रेम से बैठो सजनो और प्रेम कर रखो मेल और प्रेम से बैठो और मेरी माता बहनों और प्रेम का देखो। ये 51 रुपया इनाम है, पांडे से धन्यवाद। और आप है राम हरक भाई साहब, ढोरवापुर निवासी 21 रुपया का पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए त्रिभवन कोटेदार जी भाई साहब,
ये त्रिभवन कोटेदार्ज भाई साहब ये लखनऊ की तरफ से ये हमारे कमेडियन मास्टर अर्जुन के लिए ये 11 रुपया खास तौर से कलम सरहदार भेजा गया है पांडे से। धन्यवाद यहाँ दोस्तों, तो लीजिए माड़ोगढ़ की पहली सीन। इधर देखे ये माड़ोगढ़ है और माड़ोगढ़ में कोई ये दरबार है। दरबार में देखे कौन महाराज चंबे आते हैं और देखे आगे कहानी क्या होती क्या है। आप लोगों के सामने महाराज चंबे। शेरों मानो नरेश चंबे कहते हैं और आज चंबे नाम है मेरा और आज चंबे नाम है मेरा। चंबे मुझसे जानती है अरे हवा भी मेरी प्यारी जनाब। नजर जिस मुल्क के जानी और आज नजर जिस मुल्क के जानी मैं अपनी डाल देता हूं। क्योंकि मुझे लोग मारो नरेश चंबे कहते हैं। टेडी बैंड खुश रहो। कहिए महाराज, कहिए हमारे इस माड़ोगढ़ में किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके इस माड़ोगढ़ में आपकी प्रजा सब चैनों मन से जी रही है। आपके नाम की जय जयकार मचा रही है महाराज। ठीक है रेडियोवान, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा करिंगा और अब वहां बाप फतेह करने के लिए गया हुआ था। एक हफ्ता बीत गया है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। आखिर ऐसी बात क्या है महाराज? मोहब्बा आपका बेटा करेंगा फतेह करने गया है। चार दिन आने में लगेंगे, चार दिन जाने में लगेंगे, दो रोज मोहब्बा फतेह करने में लगेंगे, 10 दिन गुजर जाएंगे महाराज। आपका बेटा करेंगा मोहब्बा फतेह करके वापस आता ही होगा। ठीक है काली शरण महाराज, आप तो जानते हैं कि हमारा बेटा करेंगा माँ पार्वती का पुजारी है। दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अरे महाराज, उनका कौन बाल बांका कर सकता है महाराज? ठीक है आप बैठे महाराज, हम करेंगे क्या आने का इंतजार करते हैं। हेलो, ये आ गए सीएम भाई साहब। ये सीएम भाई साहब ये लखनगढ़ की अच्छी है। ये 51 रुपया इनाम भेजा गया है पहले से। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करें। ये महाराज चंबे माड़ोगढ़ में अपने बैठे हुए हैं और उधर देखे करिया मोहब्बा फतेह करके देखे वापस लौटता है। आगे देखे कहानी क्या होती है क्या नहीं। आप लोगों के सामने महाराज का लड़का करिंगा। कहते हैं
खुश रहो खुश रहो। कहिए भैया कैसे कैसे महोबा बीता? अरे डेढ़वान महोबा तो बहुत अच्छी तरीके से फते हुआ फते होगा। अच्छा भैया आपके पिताजी बैठे आप के इंतजार कर हमसे कहा था आज आठ दिन हो गए एक हफ्ता बीत गया है यानी हमारी ही बात दरबार में चल रही थी। दरबार में आपके बाद चलता है चलिए पिताजी के पास आप मिलवाइए। हमने तुम्हें जिस काम के वास्ते और खास तौर से तुम्हें महोबा भेजा था कि बेटा करिंगा हमारी पांचों शर्तें पूरा करके लाना वो करके लाए या नहीं। पिताश्री आपने मुझे जिस काम के वास्ते महोबा भेजा था वो काम अवश्य पूर्ण हुआ है। तो हमारी फैली सर यानी वो महोबा का मसूर घोड़ा पपीहा वो कहां पर है बेटा? पिताश्री आपकी पहली शर्त पूर्ण हुई है महोबे का मशहूर पथा घोड़ा वो पहले ही अस्तबल में पहुंचा दिया गया है। तुमने उसे पहले से ही अस्तबल में पहुंचा दिया है। हाँ हाँ और हमारी दूसरी सर यानी वो महोबे का मशहूर हाथी गजब सावर वो कहां पर है बेटा? पिताश्री आपकी दूसरी शर्त भी पूर्ण हुई है महोबे का मशहूर खूनी हाथी कस्पस्तावा या रहा तो ये है महोबे का मशहूर हाथी कस्पस्तावा। हाँ हेलो हेलो और आप है घर मालिक फौजी दादा की ओर से घर मालिक फौजी दादा की ओर से 111 रुपए का पुरस्कार दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तीसरी सर महोबे के मशहूर नाच करने वाली आराम और लाखा पाथर वो कहां पर है बेटा? पिताश्री आपकी तीसरी भी शर्त पूर्ण हुई है महोबे की मशहूर लाखा पातुर या रही है महोबे की मशहूर और वो नर करने वाली लाखा पातुर और हमारी तीसरी सर चाले वो मशहूर और दिवला के गले का नौलखार वो कहां पर है बेटा? पिताश्री आपकी चौथी शर्त ही पूर्ण हुई है आपके दुश्मन की बीवी देवला नौलखा हार देने से इनकार कर रही थी आपका बेटा करिंगा अरे देवला के सीने पे लात धार दिया और देवला के गले का नौलखा हार नोच लिया। तो ये है हमारे दुश्मन यानी देश राज की बीबी का नौलखा हार। हाँ। और बेटा करिंगा कहिए हमारी अंतिम सर हमने तुम्हें जिस काम के वास्ते और खास तौर से तुम्हें महोबा भेजा था और आज के बेटा करिंगा हमारे दुश्मन देश राज का सर लेकर के आना वो लेकर के आओ या नहीं? पिताश्री आपने मुझे जिस काम के वास्ते महोबा भेजा था अगर वो काम पूरा करके ना लाता तो बड़ी तौहीर हो जाती हमारी इसीलिए आपकी
पांचवी शर्त भी पूर्ण हुई है। आपके दुश्मन यश राज का सर ये रहा आपके चरणों में। तो ये है हमारे दुश्मन यानी देश राज का सर। हाँ फिरा करेंगा कहिए लाल सर को ले जाओ जो मारो में पहले गेट पर आने बरकत का पेड़ है उसी में ले जा करके इसे टंगवा दो और तो चार खड़े पानी डलवा दो ताकि हमारे मारो राज के जितने पंछी हैं वो आकर के इसी में पानी पिएंगे। यश आपके क्या पिताश्री से ले जाओ बेटा। डैडी वान हाँ भैया ले से पकड़ो तुझे मालूम नहीं क्या रे ये खोपड़ी है जो सामने देख रहा है पहले गेट पे बरगद का पेड़ नजर आ रहा है लगा हुआ है उसी पेड़ में ले जाकर इसको टांग दो और इसमें दो चार घड़े पानी छड़वा देना ताकि हमारे मारोगढ़ राज के पंछी आकर के इसमें पानी पिएंगे और हमारे पिताश्री यज्ञ की जगह कार करेंगे। ओ भैया ये हमका दे दियो क्या करेगा रे ईमा का बड़ा गूदा निकाल ले अबे और बढ़िया पान भी तलाए जावा करो। अबे पागल सड़ जाएगी बदबू करेगी ये गगरी ना आएगा ये गगरी है ऐसे देखो गगरी इसे खोपड़ी लागत है। अरे खोपड़ी है खोपड़िया सामने बरगद का पेड़ है बेटा करेंगे ते हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं कहिए साक्ष्य कहिए सुनिए बेटा कहिए सुनिए पिताजी आपका बेटा करेगा आपसे कुछ कहना चाहता है सुने पिताजी और चलता हूं मैं नाग भूकंप अहिपति पटक दो फन जबकि सोते में करवा बदलता हूं मैं
यो कौन जीवा है, यो कौन जीवा है? तुझे मालूम नहीं है रे? ये हाथी है। ये हाथी है? हाँ। ये हाथी कौन काम आवत? अभी पागल, ये सवारी करने के काम आता। सवारी करे काम आता हाँ। ओ भैया, हम साइकिल तले के हवाई जहाज तक का सवारी की रहा हाँ। और भैया हम काय पर चढ़ के मौका दीन जाए। तेरी इच्छा क्या कहती है? चढ़ा चाहिए के ऊपर हम। ठीक है, हमारी तरफ से तू इस पे सवारी कर सकता है। हाँ भैया, भैंसी भैंसन को ऊपर बहुत चढ़ा भैया, जब चढ़ा इतना हाथी को ऊपर चढ़ा मौका दीन जाए। चल मौका मैं दे रहा हूँ। जय घर मालिक को सीढ़ी ले। अबे कंजे कहाँ जा रहा? अरे भैया इपर चढ़ा कहीं भी चाहे सीढ़ी ना ही तो अतना ऊंच जानवर है। अरे बहिता ना लाओ यार, सीढ़ी को क्या करेगा? अरे सीढ़ी को इपर छोड़ दे, लगा करके छिलाग इस पे चढ़ जा। हेलो और रफा है धनंजय सिंह, धनंजय सिंह भाई साहब धोड़वापुर निवासी, 51 रुपया का पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इका पे हम यो नहीं जाने पाए, इके मुंह कैसी है? क्यों? एका सारे का मुंह जैसे मरी बिलार बसा था। अरे पागल, वो टट्टी करने की जगह हाँ। हम कहीं वो पूछिया हिलगी वैसे। अरे इसका मुंह आ गया। ये भैया लाल के मुंह में हाथ खोस दे। अरे इसके मुंह में हाथ खोसेगा तो तेरा हाथ ही खड़ा चबा जाएगा। अरे हाथों चबा जाएगा हाँ। बहुत सारी जगह है, चाहे मैच खेलो और चाहे अगर छोड़ छुट्टा हुआ है पिटेवा लोंडे क्या यही बढ़िया छोड़ छुट्टा पंचन यार अच्छा छोड़ी छुट्टा वाह वाह चौधरी बने के शौकीन हो सर। पहले अपन का नहीं देखा सर तरफ ये सुधे मजा करो हां शांति ने बोलियो। अरे बोली हो कुछ बोली गयो यही लाके पाता है भाई। अरे भाई शौक है गाने की तो का हाँ। इक
के पीछे पसेरी हिलगी यही बन गई उसार बरकत है। अरे पागल, इसको कहते हैं मर्द। हाँ पहचान रात का। हाँ अरे भाई चलो बैठो बैठो। देखिए तुम मंदिर के थके हुए हो, जा करके महलों में आराम करो। जैसे आप क्या क्या पिताजी शाय माँ पार्वती, माँ पार्वती तुम्हारी रक्षा करे बेटा। कहिए महाराज। देखिए मैं राज दरबार से महलों को जा रहा हूँ, लाठा का रहने का बंदोबस्त कर देना। ठीक महाराज। ठीक है मैं चल रहा हूँ। ठीक है लाखा क्या बात है। चलो महाराज कहने हैं क्या तुमका हमारे कमरे में रहने मौका मिला है। तुम्हारे कमरे में? हाँ। अरे बदतमीज तुम्हारे कमरे में रहूंगी मैं, अकेले रहूंगी। अकेले रही हो और क्या, हमारे नीचे रहो ऊपर रही हो। मैं सबसे ऊपर रहकर रहूंगा। ऊपर रही होगा और क्या, और ऊपर करते नंबर एक नगर हमारे फच फच। चलो 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 क्या बात है क्या। से क्या बातें करते हैं क्या नहीं आपके सामने बड़े भैया आला। रुपन क्या हो रहा है? बस भैया दरबार का देखभाल हो रहा है। बात बताओ रुपन। हाँ भैया।